दिखने वाले हैं आपको, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार, उनके लिए जितने भी दर्शकगण मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को प्रणाम और जितने चैनल्स वाले हैं उन लोगों को प्रणाम। सो किस तरह का एल्बम है ये, क्या है आज शूट? ये बेसिकली रैप सॉन्ग है जो कि कुछ नया करने की कोशिश, जैसा कि मैं हर बार अपने एल्बम्स के ज़रिए करती हूँ, वैसे ही कुछ अलग टाइप का जो कि शिव जी का गाना है। श्रावण का महीना चल रहा है तो बिना शिव जी के गाने का पूरा नहीं होता है सावन, तो इसलिए कुछ अलग, अमूमन हम लोग बोल बम के गाने करते हैं पर कुछ अलग करने की कोशिश की है। साथ ही बहुत सारे लोकगीत हैं जो कि आज शूट होने वाले हैं। अक्षरा, आप काफ़ी, अभी हमने देखा शूट, आप भीग कर गाना शूट कर रहे थे, एक अलग एक्सपीरियंस होगा शायद ये? बिल्कुल है, बिकॉज आज संजोग से बारिश होने लगी। सोचा नहीं था कि बारिश होगी, बट कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, बारिश हो या कुछ भी हो जाए शूट तो करना ही है। बिकॉज हमारी यूनिट जो है सबको बैठना पड़ता, सो इसलिए हम लोग शूट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। एल्बम का नाम क्या है? एल्बम का नाम एल्बम का नहीं कह सकते हैं, इंडिविजुअल एक एक सिंगल गाने हैं जो कि फिल्माए जा रहे हैं। गाने की चली मैं चली भोले की गली, एक है गुदवाली मैंने भोले नाम का टैटू, एंड और भी बहुत सारे लोकगीत हैं। अक्षरा ने बहुत सारे एल्बम किए, इससे पहले भी और सारे बाबा पे एल्बम हैं, इस एल्बम में उससे अलग खास क्या है? इस एल्बम में मेरा एक नया अवतार है और चूँकि मैं एल्बम्स नए नए अंदाज में करती हूँ विद डांसेस एंड ऑल, थोड़ा ग्रेजर हो जाता है, तो इसमें भी कुछ खास है और उम्मीद है दर्शकों को पसंद आएगा। शब्द जो बोल हैं गाने के वो भोजपुरी नहीं है, वो हिंदी है, सो वो भी एक नयापन है इस चीज़ में, एंड बहुत अच्छे से हम लोग शूट कर रहे हैं। बाबा से अक्षरा ने क्या मांगा है? बाबा से, पापा अपना भजर भजर बंद करेंगे क्या? बाबा से इस बार हर बार ही यही मांगती हूँ कि मुझे खूब सारी शक्ति दे भगवान और सद्बुद्धि दे, ताकि मैं और आगे अच्छा काम कर सकूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं, और खूब सारी उपलब्धि दे भगवान। और साथ ही मेरे दर्शकगण जितना मुझे प्यार करते हैं उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होती रहे दिन पर दिन, क्योंकि मैं एक कलाकार हूं और एक कलाकार के लिए इससे ज़्यादा मायने और कुछ नहीं रखता है, सो यही मेरी चाहत है। अच्छा, एल्बम की अगर बात करें, बोल बम पे जैसे ही मौसम आता है, जैसे ही सावन आता है, बहुत सारे एल्बम आते हैं, अक्षरा का भी है, उसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन नहीं लगता कि हमारा कितने व्यूज होंगे, क्या होंगे, लोग कितना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं व्यूज मेरे लिए मायने ही नहीं रखता है। मैं देखती हूँ हमेशा मारा मारी रहती है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ बनाते रहते हैं, अरे यार सावन में आज वो इसको पीछे छोड़ दिया, वो उसको अरे एंड ऑफ द डे सबका गाना बजना इम्पॉर्टेंट है, लोग कितना पसंद करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, व्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आजकल ये फंडा बना लिए लोग सो कॉल्ड कि अरे यार तो 2 पॉइंट समथिंग आ गया, ओ गॉड सच ए ह्यूज क्या बोले व्यूज़, सो ये एक टंटा बना लिया है लोगों ने, बट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए दर्शकों का प्यार मायने रखता है, गाना चलना मायने रखता है, लोगों तक मेरे गाने पहुंच रहे हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। जी अक्षरा, फिल्मों की बात कर ले, कौन सी फिल्में हैं जो आपकी आने वाली है? फिल्में अभी राजा राजकुमार आने वाली है और मजनुआ, एंड उसके बाद लैला मजनू जिसमें चिंटू जी हैं मेरे ऑपोजिट, एंड मजनुआ राजा राजकुमार में रितेश पांडे जी हैं और साथ ही अभी एक और फिल्म करके आई दबंग दामाद, एंड इसके बाद मंजुल जी की फिल्म कर रही हूँ जो कि 2 फिल्में हैं बैक टू बैक। सो धीरे धीरे सारी फिल्में आएंगी। मौका तो नहीं है लेकिन एक सवाल मन में है कि हाल ही में आपने एक शो किया था, हाँ, जिसमें आपने स्टेज पर कहा था कि बहुत सारे इंडस्ट्री के आधे मर्द मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे इंडस्ट्री से हटाना चाहते हैं। अक्षरा क्या कहेंगी इस बारे में? वेल, लोग तो पीछे पड़े हुए हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि बीइंग अ गर्ल आई एम फाइटिंग अलोन और मैं इस इंडस्ट्री में अकेली सर्वाइव कर रही हूँ। एक लड़की होने के बावजूद भी नोबडी, नॉट अ सिंगल वन इज देयर विथ मी, और चाहे वो हीरोज़ हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, फिल्में जो कर रही हूँ उसमें जो आर्टिस्ट हैं, टच वुड, उन लोगों को भी मना किया गया था बट वो लोग काम कर रहे हैं बिकॉज उनके लिए काम इम्पॉर्टेंट है। सो ये सच्चाई है कि लोग पीछे पड़े हुए हैं अब तक, जिसका कोई कारण मुझे समझ नहीं आता है। अब तो सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत या कोई लेना देना नहीं है। आई एम वर्किंग और मैं एक अरसे से मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पे है और मैं फुल्ली फोकस्ड हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आकांक्षा अवस्थी जी को कि उन्होंने शादी की और इंडस्ट्री में काम करते हुए उन्होंने शादी की, विच इज़ वेरी गुड, एंड स्टिल मुझे ऐसा लगता है आगे भी काम करेंगी वो। तो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहें, खूब सारी खुशियाँ उनको मिले, और साथ ही उम्मीद करती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में भी और शादी के बाद और ज़्यादा ग्रो करें, जो कि मेरे तरफ से बेस्ट विशेज़ है। मैम, दो सवाल और। एक तो ये कि जो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जितनी अभिनेत्रियां हैं सब ने शादी कर ली हैं, फिल्मों में काम भी कर रही हैं। भोजपुरी काफ़ी सारी अभिनेत्रियों ने शादी नहीं की है, मतलब क्या शादी के बाद थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है फिल्म ब्रेक्स मिलना? अक्षरा कब कर? अक्षरा तो शादी करेगी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। इतना बड़ा धक्का मेरे जीवन को लगा है, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं दूर दूर तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ काम करना है, जो कि कुछ समय से बहुत दिनों से ऐसा सुनती हूँ कि लोग लड़कियाँ मुझे इंस्पिरेशन के रूप में लेती हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मुझे ऐसा लगता है मेरे कंधे पे एक बोझ है और उस चीज़ को मुझे पूरा करना है और ऐसा प्रूव करना है कि एक लड़की भी आगे अपने दम पर बहुत बड़ा नाम बना सकती है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक लास्ट सवाल। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब इस तरह की बातें होती हैं, जैसे फिल्मों में नहीं निकालना, योगा इमोशनली मेंटली बहुत हर्ट होता है, सो खुद को कैसे संभाला अक्षरा ने? आज फिर से खड़ी हो गई। मन का द्वंद्व चलता है, वो बहुत ही मुश्किल होता है खुद को संभाला। अक्षरा ने खुद को कैसे किया? जब एक वैसा टाइम आया था, मुझे ऐसा लगता है जितने भी मीडिया वाले हैं वो सब मेरी उस जर्नी से लेके जब मैं नॉट अ सिंगल, क्या बोलूँ, एक आदमी भी मेरे इर्द गिर्द नहीं था और मैं बहुत तकलीफ़ के दिनों से गुजर रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि मेरे पास रास्ते ख़त्म हो गए हैं और शायद मेरी ज़िंदगी मैं वहीं पे ख़त्म कर देती, ऐसा सिचुएशन आ गया था। बट वहाँ से लेके अब तक की जर्नी, मुझे ऐसा लगता है पूरी ऑडियंस जानती है, पूरे मीडिया वर्ग जानते हैं, हर किसी ने साथ दिया मेरा, और मुझे ऐसा लगता है मेरा एक आत्मसम्मान जो था, मेरे पेरेंट्स थे जो कि मेरे साथ वो टाइम पे, आई डोंट नो, आई एम फ्रॉम बिहार, मैं पटना की लड़की हूँ और पटना बिहार की लड़कियों को आज भी लोग नहीं, ये घर से बाहर नहीं निकलेगी, नहीं ये लड़की है, वैसे सिचुएशन में रहने के बावजूद मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, जो कि लाइक अभी के टाइम में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो दौर चल रहा था अच्छे अच्छे पेरेंट्स लात मार के भगा देते, बट मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और वो टाइम पे मैं बहुत पॉजिटिव रही, जो कि मेरा बहुत साथ दिया। वो पॉजिटिविटी मुझे आगे बढ़ने में, मुझे यहाँ तक, वो कहते हैं ना कि एक लड़की होने के नाते एक मन में टीस रहती है, जो कि ये मुझे ऐसा लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है कि कैसे काम करूँगी, अरे यार यहाँ पे तो लॉबी है अलग अलग बनी हुई, लोग दिखाते तो बहुत हैं कि दे आर टुगेदर, सब एक साथ हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में हैं, खड़े रहते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्री में कोई किसी का साथ नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है, और मुझे ऐसा लगता है ये बेवाकी से बोलना उचित है, मैं क्योंकि मुझे डर नहीं है मन में, एक जो डर रहता है लड़की के अंदर कि पता नहीं काम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, अकेले सर्वाइव कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, वो डर मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी है, वो डर बिल्कुल नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ ने मुझे साथ दिया और आज कदम दर कदम आगे बढ़ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है दर्शकों का प्यार मिलेगा, दर्शक साथ देंगे, उबर वाला साथ देगा। Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.